नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंदा। देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ मूसेवाला टाइप कर दूंगा, संजय राउत को लॉरेंस गैंग से मिली जान से मारने की धमकी। उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद राउत ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धमकी देने वाले ने राउत को मैसेज कर कहा है कि तेरा भी मुझसे वाला हाल कर दूंगा। मैसेज में राउत को हिंदू विरोधी कहते हुए गालियां भी दी गई। इस मामले में पुणे पुलिस ने बीती रात एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है और मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। भगोड़े अमृतपाल की डिमांड के बाद जत्थेदार ने श्री दमदमा साहिब में बुलाई विशेष बैठक। जी हां, श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में धार्मिक प्रचार प्रसार व सिख कौम के अधिकारों की रक्षा के लिए 7 अप्रैल को एक विशेष मीटिंग यानी कि बैठक बुलाई गई है। उक्त जानकारी श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी पत्र के माध्यम से दी गई है। पत्र में लिखा है कि श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे सिख भविष्य की रणनीति विषय पर एक विशेष बैठक बुलाई गई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर भगोड़े अमृतपाल सिंह ने लाइव वीडियो में श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को फिर से आग्रह किया था कि वह कौम की अगुवाई करते हुए सरबत खालसा का आह्वान करे, क्योंकि ये उनके जत्थेदार के लिए भी इम्तहान की घड़ी है। इसके साथ ही अमृतपाल सिंह ने लोगों को हुकूमत के डर से खामोश नहीं रहने की भी सलाह दी है। सीएम योगी का ऐलान, यूपी से होगी चौथी औद्योगिक क्रांति, कहा सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग हमारी ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का जनक उत्तर प्रदेश होगा, इसका नेतृत्व यूपी करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश की ताकत है। 96 लाख SMME इकाइयों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बीते 6 साल में सरकार ने MSME इकाइयों को प्रोत्साहित करने के साथ हस्तशिल्पियों कारीगरों को प्रशिक्षित और सम्मानित किया है। यदि इन्हें पिछली सरकारों ने सम्मान दिया होता तो यूपी बहुत आगे होता। आज जेल से रिहा होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, फिर गरमाएगी पंजाब की सियासत। पिछले 34 साल से हाई प्रोफाइल चला रहे रोड रेज केस में 10 महीने 11 दिन की सजा काटने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से राजनीतिक नेता बने पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार को आज केंद्रीय जेल पटियाला से रिहा हो रहे हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई तो सिद्धू परिवार के साथ साथ पंजाब कांग्रेस के सभी नेताओं और वर्करों में यानी कि कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। नवजोत सिंह सिद्धू के हक में पंजाब कांग्रेस का एक बड़ा खेमा है जो उनके जेल जाने के बाद चुप बैठा था और उनके बाहर आने के बाद उनका इंतजार कर रहा है। वहीं सिद्धू की रिहाई के बाद पंजाब की सियासत गरमाने के आसार है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन LPG सिलेंडर हुआ सस्ता। आज वित्त वर्ष के पहले दिन ही लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी। लोगों को LPG की कीमतों में राहत मिली है। LPG सिलेंडर के दाम 92 रुपए तक कम हो गए हैं। आज से ही नए रेट अपडेट हो गए हैं। हालांकि LPG के दामों में ये राहत केवल कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को ही मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी घरेलू LPG गैस ग्राहकों के लिए कीमत में कोई संशोधन नहीं किया गया। 14.2 किलो के गैस सिलेंडर के रेट पिछले महीने की तरह ही है। गौरतलब है कि सरकार ने मार्च में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपए की बढ़ोतरी की थी, वहीं अब शनिवार को 92 रुपए की कटौती की गई है। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप।